हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिनोबी शिंजा के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत दिन हो चुके थे मैंने शिनोबी शिंजा के ऊपर क्वाइन जो वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। जी बिल्कुल, शिनोबी शिंजा एक नए अंदाज में जो है मार्केट में आ चुका है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे शिनोबी शिंजा के ऊपर। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी यही बातें करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी शिनोबी की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, जल्दी जल्दी जाके वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसके दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि शिनोबी हो, शिंजा हो, किशुइन हो, लवलीन हो, फ्लोकिन हो, कोई भी क्वाइन हो, उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो, कोई भी कंटेंट वगैरह कुछ भी निकल गया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो ओवरऑल हमने देखा कल भी, लास्ट वीक भी, लास्ट मंथ भी ग्रीड में था डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स के साथ, लेकिन आज जो हमें 52 स्कोर के साथ एक न्यूट्रल पोजीशन में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली। ये देखा जाए मार्केट के फेवर में चीज़ तो नहीं देखने को मिली, क्योंकि मार्केट जो थी वो ग्रीड थी, अब ग्रीड से निकल गया न्यूट्रल में आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है वो किस तरह मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं शेयर करता चलूँ कि भाई ओवरऑल जो BTC बाई जाने वो किस तरह मूव कर रहे हैं, तो भाई बिटकॉइन 3.7% डाउन जा चुके हैं, अभी भी $29,020 पे चल रहे हैं। BTC 5.7% डाउन जा चुका है, तकरीबन $1961 पे चल रहा है। BNB 326 पे चल रहा है, 3.9% डाउन जा चुका है। XRP 5.2% डाउन जा चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट से वो मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस मार्केट के साथ अगर हम देखते चलें कि भाई हमारा जो है शिनोबी किस तरह मूव कर रहा है, तो भाई शिनोबी शिंजा जी बिल्कुल अभी जो मुझे देखने को मिला, क्योंकि इसकी कुछ माइग्रेशन वगैरह हुई है, तो एक्यूरेट प्राइस में थोड़ी कंफ्यूजन वगैरह भी रहती है, तो इन्होंने इसको रैंकिंग भी नहीं किया। तो भाई 0.40 के बाद 5.26 इसकी करंट प्राइस है, 10.7% जो डाउन जा चुका है, BTC के हिसाब से 6.9% और इथेरियम के हिसाब से 4.8% डाउन जा चुका है। अब बात करें शिनोबी शिंजा को लेकर, जी बिल्कुल, शिनोबी रीबर्थ, वी गॉट हर्ट बट वी हील्ड, I learned from it. Now with the positive new board, we are determined to go above and beyond all the expectation together as one family. जी बिल्कुल, शिनोबी जो है अब फाइनली कुछ रीजंस की वजह से जो है वो रीबर्थ होकर अब नई चीजें लेके आ रहा है अपनी जो शिनोबी की कम्युनिटी में, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें जो सारी के साथ जो है इनके जो टीम मेंबर है वो सबका सब जो है इन्होंने चेंज कर दिया है। जी बिल्कुल, अब शिनोबी का आपने देखा होगा जो ये जो एक नया लोगो हमें देखने को मिल रहा है, जो कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेजेंट किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, तो हमने देखा है कि ओवरऑल जो शिनोबी है वो प्रोजेक्ट सारा का सारा जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्पावर द कम्युनिटी विद अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड टुगेदर वी कैन शेप अ ब्राइटर फ्यूचर। जी बिल्कुल, ये शिनोबी की तरफ से मैसेज भी डिलीवर किया गया है। तो भाई ओवरऑल जो शिनोबी है वो कोशिश कर रहा है खुद को एक रीब्रांड करके, जो खुद के लिए अगेन जो एक खुद की जो है हाइप क्रिएट करने जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिनोबी अब क्या करने जा रहा है, जो खुद के इवेंट्स वगैरह है वो भी कंडक्ट करने जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मैसेज वगैरह भी आपके लिए डिलीवर किया है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इश्यूज हुए थे शिनोबी के साथ, स्पेशली जो शिनोबी के जो थे क्लिफ थे उसके साथ हमें देखने को मिला था, क्योंकि March 3rd को इनका हमें ये देखने को मिला था कि भाई इन्होंने एक अनाउंस की थी कि क्लिफ अनाउंस दैट ही विल स्टेपिंग अवे फ्रॉम शिनोबी ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यू। अनफॉर्चुनेटली द मेजर यूटिलिटीज हैव बीन बिल्ड दिस फॉर हैव बीन टेकन ऑफलाइन अंटिल वी कैन गो अपवर्ड एंड ब्रिंग देम बैक। जी बिल्कुल, शिनोबी का जो क्लिफ था जो इसको सारा प्रोजेक्ट को रन कर रहा था, तो उनकी जो हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया था। काफ़ी सारी यूटिलिटीज, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं देखने को मिली थी। अब फिर से इन्होंने क्या किया, एक और नई कम्युनिटी सिलेक्ट की है, नए मेम्बर सिलेक्ट किए हैं, जो अब फिर से शिनोबी शिंजा को रन करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें हमें काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अब जो शिनोबी है वो क्या करता है, किस तरह परफॉर्म करता है आने वाले वक्त में, क्योंकि फिलहाल तो कोई इतनी ऐसी न्यूज़ नहीं देखने को मिली जो शिनोबी को आगे जाए। अब जो एक बहुत बड़ा इशू है शिनोबी के लिए, जो यूज़र्स का ट्रस्ट इशू। जी बिल्कुल, अब एक दफ़ा जो प्रोजेक्ट छोड़ चुके हैं वो फिर से प्रोजेक्ट ज्वाइन करने, क्या लोग उसमें पैसा डालेंगे कि नहीं डालेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो थी आपको पसंद भी आई होगी और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।